लखनऊ उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग द्वारा आयोजित आजादी का 11 अगस्त से ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ होकर 12 अगस्त को जनपद स्तर पर एवं 13 अगस्त को मंडल स्तर पर व 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होमगार्ड मुख्यालय में समापन हुआ है। तिरंगा मार्च के निमित्त अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स, आईजी होमगार्ड्स, डीआईजी होमगार्ड्स, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स के साथ मुख्यमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च का समापन 5 कालिदास मार्ग पर हुआ, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे बच्चे ने भाग लेकर इस महाअभियान के साक्षी बनकर इसे सफल बनाया है। वही होमगार्ड्स विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त होमगार्ड्स विभाग की ओर से मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार जताया है कि हमने 4 दिन का कार्यक्रम 11 तारीख में ब्लॉक लेवल पे, 12 तारीख में जिला लेवल पे, 13 तारीख में कमिश्नरी स्तर पे और 14 तारीख में आपके नेतृत्व में इस यात्रा का समापन हो रहा है। हमारे होमगार्ड के जवानों ने तिरंगा यात्रा में जिस तरह से अपनी ऊर्जा का एहसास कराया है, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जिले के जिलाधिकारी, सभी जिलों में लगभग अधिक से अधिक संख्या में रहे और उन्होंने सबने इस तिरंगा यात्रा को देखा है। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।